अब जब पेरिस ओलंपिक के लिए शॉर्टलिस्टिंग हो रही थी तो आपका नाम पहले से था कि कुछ आपको प्रैक्टिकल देना पड़ा उसके बाद? हाँ, मेरा एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप जापान में हुई थी 2 महीने 3 महीने पहले, तो उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आ गया था। वहाँ से मैं डायरेक्ट क्वालिफाई कर गया था पेरिस के लिए। जब आप जा रहे थे तो पीएम मोदी साहब से सभी की बैठक हुई, आपकी भी बैठक हुई, फिर आए आप, उसके बाद भी मिले, क्या बोला उन्होंने जाते टाइम, क्या बोला? जाते टाइम तो मेरी बातचीत नहीं हो पाई थी, बट दूसरे साथी खिलाड़ी उसमें थे। मैं जी, बाहर था जर्मनी में, तो टाइम मैच नहीं हो पाया, बट आते टाइम मुलाकात हुई। और ये तीसरी चौथी मुलाकात थी, मैं टोक्यो के बाद भी मिला था। तो प्रधानमंत्री जी से मिलके तो मज़ा आता है, और सारी वही अपनी बातचीत रहती है नॉर्मल, जैसे हम लोग आपस में कर रहे हैं ऐसी बातचीत रहती है। और मैंने एक उनसे यही बात बोली थी कि कई बार ऐसे प्रेशर रहता है कि आपको परफॉर्म करना है, अलग अलग उससे सपोर्टेड एथलीट है, स्पॉन्सर्ड एथलीट है, अलग गवर्नमेंट से हैं, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से हैं, तो वो बोलते हैं कि तुम्हें इसमें अच्छा परफॉर्म करना है, नहीं तो मैं आपका बजट कम कर दूंगा, या ये नहीं दूंगा वो नहीं दूंगा। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है खिलाड़ी पे कि इसमें तो करना ही है। और जब देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि हार जीत की चिंता मत करो, तुम जाओ खेलो, तो ये एक थोड़ा हौसला सा मिलता है। हौसला मिलता है जी, इससे, हौसला मिलता है, तो ये अच्छा रहता है जब एक देश एथलीट। का प्रधानमंत्री आपके साथ खड़ा है तो कोई बात नहीं, बाकी देख सब लेंगे। चीज़ें तो छोटी लगने लगती हैं फिर। ये पॉइंट है। तो और आपका जो पेरिस ओलंपिक के समय एक वीडियो में वायरल बहुत ज्यादा है कि उसमें जब आपका खेल चल रहा था उसी दौरान आपका जन्मदिन भी था, और हाँ उसमें आपके कोच, आपके दोस्त लातों से आपको हिट कर रहे हैं, क्या उसके पीछे क्या कहानी थी? हाँ ये मेरा दोस्त निषाद, सुमित, अंतिल, इन लोग, निषाद ने सिल्वर मेडल जीता है, सुमित ने गोल्ड जीता है बैक टू बैक। तो 3 सितंबर को मेरा इवेंट था और 5th को मेरा बर्थडे है, तो एक दिन बाद बर्थडे था। तो सडन से मैं ऐसे था, उन्हें पता चला तो इन्होंने ये मुझे सरप्राइज दिया। और फ्रेंड सर्कल में तो ऐसा ही होता है, लातों से हिट कर रहे हैं और अलग तरीका अपनाया उन्होंने। ये तो काफी आप हल्का अगर सस्ते में निपट इंस्टाग्राम गया। आईडी आप जाएंगे, अजीत सिंह यादव, उस पर जाके आप देखेंगे तो आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। जी ये तो मैं बहुत सस्ते में निपट गया, नहीं जी तो मैंने कई खतरनाक फेस से निकल के मैंने बर्थडे सेलिब्रेट करा है, कंबल परेट ये वो ऐसे करके कई सारी चीजें रहती है। कॉलेज में था तो ऐसे रहता था, बट अच्छा रहा। फिर मैं वहाँ गया था केक कट करने, एफिल टावर, तो वहाँ मैंने केक काटा और कई सारे बच्चे थे वो सब करके, काफ़ी मज़ा आया वहाँ पे। एक अभी इस समय जो सबसे ज्यादा अगर वायरल चल रहा है, आपके साथी हैं नवदीप सिंह, हाँ नवदीप जी का वो फेंकने के बाद जो उन्होंने यूज किया डॉट डॉट डॉट, हाँ तो वो बहुत वायरल हो गया। आपके साथ उनकी बातचीत होती रहती है, मैंने क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी जब मैं इंटरव्यू देख रहा था तो आपका नाम का उन्होंने जिक्र किया हाँ कि अजीत बिल्कुल, हम सिंह लोग है। बहुत क्लोज हैं, छोटा भाई है और हमेशा गाइडेंस देता रहता हूँ। और वो काफ़ी टैलेंटेड एथलीट है, और अच्छा करेगा। और खेल है, कभी कभी तो थोड़े से ये शब्द, मनमोहक शब्द निकल जाते हैं, तो देश की एक बात इंटरव्यू है। में देख रहा हूं वो बता रहे कि मैं ना जब तक ये ना करूं तब तक मैं खेल नहीं पाता हूं। हाँ, कई एथलीट का ऐसे माइंडसेट रहता है और नहीं पता चलता क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। वहाँ जो क्राउड रहता है वो पेरिस का तो ज़बरदस्त था, 40-50-60 हज़ार तक पब्लिक आती थी। जब चेस करते हैं और चिल्लाते हैं तो आप भी थे जब उन्होंने वो डॉट डॉट किया था, तब आप वहीं पीछे थे क्या, सुन रहे थे नवदीप को? वहाँ तो नहीं सुनाई देता है ये, अच्छा, वो देखना उसको जब वो ऐसे बोल के इधर जा रहा है तो माइक लगा रहता है और वो वीडियो लेते हैं ऐसे, तो बहुत क्लोज आ गया वो कैमरा मैन और वो माइक। इसी वजह से पूरी दुनिया ने देखा उसको, हाँ, वैसे ये अगर इंग्लिश में बोलता तो डिस्क्वालीफाई भी हो डिस्कवरी। सकता था,
बट उन्हें कहाँ आती है उनको नहीं पता। अच्छा, ये लैंग्वेज को लेके आपको भी कभी दिक्कत आती है, क्योंकि आप अभी जैसे पेरिस से आए या इससे पहले कई तमाम सारी कंट्रियों में जाते हैं, तो वहाँ लैंग्वेज बैरियर आता है, कितना उसका क्या प्रभाव पड़ता है? लैंग्वेज बैरियर आता है, और अब तो इंडियन हम लोगों के लिए इंग्लिश इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट जैसे यूरोपियंस उनकी अलग अलग लैंग्वेज है, हर कंट्री की अलग लैंग्वेज है, तो उनके साथ थोड़ा कम्युनिकेट करने में मुश्किल है। जैसे जापान, चाइना, इनके साथ कम्युनिकेट कैसे? इशारों से बात करते हैं? गूगल ट्रांसलेटर गूगल और वाईफाई जब नहीं चलता है, नेट नहीं चलता है, तब मुश्किल हो जाता है, फिर इशारे, जितना समझ में आ जाए उतना बहुत है, और फिर आइडिया लगा लेते हैं ये ऐसे बोल रहा होगा, हमें ऐसा करना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई किसी के साथ, आप बताना कुछ चाह रहे हो, वो समझ गया कुछ और। कई बार होता है ऐसे, तो मोस्टली ऐसा ही होता है। चाइना, जापान, जापान में तो फिर भी ठीक है, चाइना आइना या फिर कुछ ऐसी कंट्रीज जाते हैं, उनके साथ कुछ भी बोलते रहो, उन्हें तो लगता है ये कुछ लोरी सुना रहा है। पेरिस ओलंपिक बहुत यादगार है आपके लिए? पेरिस सिटी मेरे लिए यादगार है। लास्ट ईयर मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड जीता था अपना पर्सनल बेस्ट करके, इस साल फिर मैंने पर्सनल बेस्ट किया और पेरिस पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। तो आपका नेक्स्ट टारगेट, क्योंकि हर किसी का, अब आपने यहाँ पे तो सिल्वर जीत लिया 2026 फिर 28 पैरा ओलंपिक, यानी विंटर और समर अलग अलग तरीके के, 28 का है, क्या टारगेट है? 28 यही है कि इसका कलर चेंज करें, कुछ रिकॉर्ड बनाएं। रिकॉर्ड तो ऑलरेडी तोड़ दिए हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे बनाएं जो अगले तोड़ने के लिए थोड़ा सोचें। अब सिल्वर को गोल्ड में बदलना, गोल्ड में बदलना है, वही कलर चेंज करें, सिल्वर से गोल्ड में जाएं, बाकी देखते हैं किस्मत में क्या है, उसके हिसाब से चलेंगे चीज़ें। कहाँ पे उसकी तैयारी कहाँ पे शुरू हो रही है, दिल्ली में या दिल्ली से बाहर? दिल्ली में हो सकती है, बेंगलोर में हो सकती है, अभी मैं अपनी जो कोचिंग टीम है उसके साथ प्लान करूँगा, और जो सपोर्ट स्टाफ है, मैं ओजी की ओलंपिक गोल्ड क्विस्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उससे स्पॉन्सर्ड सपोर्टेड हूँ, तो उनके साथ बातचीत करूँगा, थोड़ा टॉप साई से बातचीत करूँगा कि मुझे ऐसे ट्रेनिंग करना है, या ये बजट चाहिए या फंड की ज़रूरत है, तो देखते हैं, शायद बाहर भी ट्रेनिंग कर सकता हूँ, जर्मनी वगैरह में। नीरज चोपड़ा के साथ कोई किस्सा है आपका? हाँ हाँ, ऐसे कोई यादगार तो ऐसे, हाँ मैं 2023 में, 2023 के स्टार्टिंग में हम लोग साथ में 1.5-2 महीने ट्रेनिंग किया है, साउथ अफ्रीका में साथ में ट्रेनिंग किया है मैंने, और खाना पीना रहता था साथ में, नीरज के कोच क्लास करके अलग थे, मेरे कोच अलग थे, बट खाना पीना बातचीत और वो सब चीज़, जब एक दूसरे से मिलते तो क्या बातचीत होती है, वही भाला फेंक और कुछ भी फेंक? भाला फेंक पे भी होती हैं, और देश दुनिया की क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये सब भी बातें होती हैं, और थोड़ा वैसी भी चीज़ें रहती हैं। थोड़ा पर्सनल पूछ लूँ कुछ? हाँ पूछिए पूछिए। कोई अभी आप लगभग, मैं जैसा कि पता है मुझे देखा कि आप 30 साल के होने वाले हैं, और पर्सनल जिंदगी में कोई लड़की है कि अब शादी करोगे डायरेक्ट? शादी होगी अभी कोई है? ऐसा कुछ नहीं है, बट स्पोर्ट्स कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा डिले हो गई चीज़ें, अगर नॉर्मल लाइफ होती तो शायद शादी हो गई होती। अब वही है थोड़ा कि कभी ट्रेनिंग बाहर रहती है, 3-4 महीने बाहर हूँ, कभी इधर हूँ कभी उधर हूँ, तो थोड़ा इसको फिगर आउट करके फिर चीज़ें फिक्स करते हैं। मतलब शादी करने वाले हैं अब? हाँ इतनी जल्दी, देखते हैं क्या रहेगा, वो ही सब बातें अगर देखी जाए तो गोल गोल हैं। बिल्कुल सत्य है। और अभी जैसे कि आपने बताया शादी करेंगे, तो शादी के लिए का एक सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, सवाल उठता है कि आप अपने पैरा ओलंपिक से कहीं तो नहीं, कहीं अपने खेल क्षेत्र से ही शादी तो नहीं करना चाहते, या आप अपने गाँव क्षेत्र से देहाती छोरी चाहिए, लड़की चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ मेरी थोड़ी चीज़ें सही अंडरस्टैंडिंग और सब चीज़ें रहेंगी तो ये है मैन। बाकी स्पोर्ट्स में तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि इस मैं चाहता हूँ अपने जो बच्चों को कुछ स्पोर्ट्स का तो मैं सारा ज्ञान दे दूँगा,
बाकी कुछ अलग मिले, कुछ अलग मिले जो बेटर आप दे पाए, तो ये है मैन। मतलब अभी आप खोज रहे हैं उस चीज के लिए कि कहीं अच्छा ऑप्शन मिले, उस विकल्प को, उस ऑप्शन को फिर चूज किया जाए। हाँ, कुछ भी समझ सकते हो कुछ ऐसे। मैं जहाँ तक जानता हूँ, आप जिस परिचय से आते हैं वहाँ पे माँ बाप की इच्छा से ज्यादा शादियाँ, अरेंज मैरिज ज्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अरेंज मैरिज में क्या, अगर मान लो अभी आप यहाँ हैं और घर वालों ने शादी तय कर दी, नहीं इसी लड़की से शादी होगी, ऐसा स्ट्रिक्ट डिसीजन तो नहीं होगा। हमसे भी एडवाइज ली जाएगी, हम भी अपना फाइनल डिसीजन देंगे थर्ड एम्पायर की तरह पूरा। जी तो तब भाई हाँ ठीक है, मतलब कर सकते हो अगर उन्होंने कुछ रहा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, हाँ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो बहुत सारे मैसेज भी आ रहे होंगे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे। हाँ, लगी होगी, आते जाते रहते हैं। कोई मामला सही नहीं समझ में आया? अरे चल रही है चीजें, ऐसा तो कुछ नहीं है, ज्यादा पर्सनल हो गया। चलो अच्छा है। बाकी पीएम मोदी के साथ की हम बात कर रहे थे, आपने जीता मेडल, उसके बाद आप मिलने गए, आपकी चर्चा भी बहुत वायरल है सोशल मीडिया पे, चाहे कहीं टीवी पे भी अलग अलग तरीकों से, मैंने कई सारे आर्टिकल पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़ा। तो एक मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ आपके मेडल पे एक साइन है, उसका क्या, उन्होंने बोला था कि आपने बोला था कि इस पे साइन कर दिया? नहीं, मैंने ही बोला था, मेरी इच्छा थी कि प्राइम मिनिस्टर अपना इसमें ऑटोग्राफ दे, तो मैं ये इसमें लिखा हुआ आपने है। उनको क्या गिफ्ट दिया, क्योंकि ज्यादातर सभी खिलाड़ी, मैंने अपने स्पाइक गिफ्ट किए थे और वो मेरे काफ़ी लकी स्पाइक थे, तो मैंने काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग रही उनके साथ, तो वो मैंने उनको गिफ्ट किए थे। बाकी यादगार पल रहा? काफ़ी यादगार रहा पल, और फिर कई लोग तो जो नहीं जान पाए थे स्पोर्ट्स से, वो उस प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात से जाने हैं कि नहीं इसने कुछ करा है देश के लिए। गांव गए थे तो क्या, किस तरीका का स्वागत हुआ एकदम? गांव में काफ़ी अच्छा स्वागत रहा और काफ़ी मज़ा आया वहाँ, और अब लोग पहचानने लगे हैं तो बाहर निकलते हैं, एकदम रुक लेते हैं, भीड़ भाड़ लग जाती है काफ़ी, वैसे भी लगता है कि अरे भाई वापस जा पाएंगे घर। लोग घेर लेते हैं, ज़्यादा घेर लेते हैं। हाँ तो ठीक है, उन्हें भी फोटो सेल्फी वेल्फी चाहिए रहती है, ले लो सेल्फी। एक फाइनल मैसेज क्या रहेगा आज के युवा के लिए? आप मेडल लेके आए हैं, अब और आप जैसे युवा मेडल लेके आए, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? युवाओं के लिए यही मैसेज है भाई, देखो जो करना है दिल से करो, एक बार कोई डिसीजन लेने से सोचो, कई बार सोचो, एक बार डिसीजन ले लिया तो उस पर काम करना शुरू कर दो। ये नहीं अब क्या होगा, ये नहीं होगा, वो ज्ञान दे गया पड़ोसी, या ये दे दिया वो दोस्त बता गया, अब हमें चेंज कर रहा है, अबे इनको साइड करो। जिस रास्ते पे एक बार चल दिए, ऐसे फुटप्रिंट छोड़ते जाओ कि लोग याद रखें, समझ रहे? और ये सब होता है यहाँ से, कितने स्ट्रांग हो यहाँ से चीज़ें बनती चली जाएंगी। पल में वो कौन सा गाना है, पल में सोलह पल में मासा वाला हिसाब मत रखो, चल रहे हो चलते चले जाओ, अपने आप रास्ते बनते जाएंगे, और जो करना है दिल खोल के करो, जिस किसी चीज़ में इंटरेस्ट है। ऐसा भी नहीं कि कभी कभी क्या होता है, इंटरेस्ट भी ऐसे बदल जाता है, तो उसको एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ फिक्स करो, उस पर काम करते जाओ, यही मैसेज है। कोई स्पोर्ट्समैन के लिए ये मैसेज है कि मुझे, मैंने देखा है कई यंगस्टर्स बार बार चीज़ें बदल लेते हैं अपने गेम को, या उसने मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ अब तो मैं गेम छोड़ दूंगा, तो छोड़ दो, वो तुम्हारा खुद का नुकसान है। नहीं सिलेक्शन हुआ, अगली बार मैं ऐसा करूँगा कि मेरे सिलेक्शन के बिना टीम ना बने, उस माइंडसेट के साथ आओ, वही थोड़ा सा कर लेंगे काम धाम, अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, माथा पकड़ रहे, ये हो गया वो हो गया, क्या है फालतू की चीज़ें,
काम करो जो दुनिया याद रखे, और टाइम लगेगा उसमें, वो विल पावर रखो, वो अपना टारगेट उस तरीके से रखो कि नहीं चीज़ें होंगी और होके रहेंगी। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने, मतलब जो आपके बोलने के टाइम जो जुनून आता है उसमें भी एक हौसला दिखाई देता है। लास्ट के कुछ क्वेश्चन हैं हमारे, क्विक सवाल होते हैं, तो उसमें सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप डाइट करते होंगे, खाना खाते हो, आपका पसंदीदा जो पसंद करते हैं ज़्यादा वो खाना क्या है आपका? मेरा खाने का ऐसा सिस्टम है, मैं पहली बार खाने गया चाइना, पहली बार खेलने गया चाइना, वहाँ खाना वही नॉन वेज और वो सी फूड टाइप से था, मैं खा नहीं पाया वहाँ। फिर मैं आया और मैंने यहाँ से टेस्ट न्यूट्रल कर दिया, और तब से मैं लगातार 3 महीने 4 महीने 6 महीने एक ही खाना खा सकता हूँ, शाम सुबह दोपहर, कोई मतलब नहीं है। कभी कभी तो मुझे ये भी पता नहीं चलता इसमें धनिया मिर्ची नमक कम है या ज़्यादा है। बाद में अरे बताते हैं इसमें तो नमक ही नहीं था, अरे समझ में नहीं आया। एक रेसिपी आपके परिक्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है, मैं उसकी चर्चा ज़रूर करूँगा, क्योंकि एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने कमेंट बॉक्स में करके पूछा था, मठा के आलू जो हैं वो हमारे इधर की फेमस सब्जी है, वो खा के तो मज़ा ही आ जाता है। वो पार्टी मतलब शादी ब्याह रहता है उसमें मिलती है, मठा के आलू और उल्ला वाली पूड़ी, उल्दा की पूड़ी बड़ी कढ़ाई में, कढ़ाई में वो लोग गांव वाले मिलके बनाते हैं, तो जो वो पूड़ी खाने में मज़ा आता है, उसका थोड़ा सा स्पाइसी सा रहता है, उसको पूरा डुबो के जो खाते हैं। कुछ लोग तो हमारे व्यूअर्स जो हैं दर्शक वो जानते ही नहीं मठा के आलू क्या होता है, तो जानना चाहिए उन्हें, और नहीं जानते हो तो किस पे सर्च करना पड़ेगा उन्हें, इटावा जाना पड़ेगा, इटावा जाओ, इटावा क्षेत्र में आपको भयंकर एकदम टेस्टी मिलेंगे, मज़ा आ जाएगा। ये कई अच्छी प्रोसेस है उसकी बनाने की, और एक हेल्दी फूड है, सोशल मीडिया यूज करते हैं आलू, मठा के आलू अच्छा है जी। एक अगला क्वेश्चन है कि आप सोशल मीडिया यूज करते हैं? हाँ मैं यूज करता हूँ, उतना अपडेटेड तो नहीं रहता, रील वगैरह कितनी देर स्क्रॉल करते हैं? चलाता रहता हूँ जब फ्री टाइम मिलता है, बट अभी एक मैंने पीआर टीम से और वो मैनेजिंग टीम से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो शायद वो लोग संभालेंगे, और देखता रहता हूँ जब जरूरत पड़ती है। ऊपर मूवी वगैरह भी देखते हैं? मूवी मावा मैंने पता नहीं कब से नहीं देखी होगी, बट हाँ मैं कपिल शर्मा शो जरूर देखता हूँ। अच्छा। वो मेरा फेवरेट शो है, और रियलिटी शो देखता हूँ ज़्यादातर, फैमिली शो, लाइक फैमिली हो या ना हो उसे कोई मतलब रियलिटी से मज़ा आना चाहिए। मैं 3 घंटे मूवी कभी नहीं देखी मैंने, और ख़ासतौर से लैपटॉप पे तो कभी नहीं, लैपटॉप टीवी वगैरह पे हॉल में जाके देखी है, जब कभी फ्रेंड्स चले जाए साथ में तो इस तरीके से। आइडियल कौन है आपका? आइडियल कई लोग हैं मेरे, मैं सबकी एक अपनी अपनी वो चीज़ें मैं उनको पसंद करता हूँ। स्पोर्ट्स की बात करें तो जिस तरीके से विराट कोहली का माइंडसेट है मुझे बहुत पसंद है, एटीट्यूड रोहित शर्मा का हमें पसंद है, और जो गेम प्लान MSD का पसंद है, थाला फॉर ए रीजन। और अपने स्पोर्ट्स की बात करें तो एक बीइंग ए स्पोर्ट्समैन इस तरीके से बनना, नीरज चोपड़ा हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है। और अगर वैसे आइडियल की बात करें तो आइडियोलॉजी में कलाम साहब को बहुत पसंद करता हूँ मैं, और रतन टाटा साहब मेरे आइडियल हैं। बंदरों को आपने फॉलो कर रखा है? तो मेरी इच्छा भी है कभी मौका मिला तो रतन टाटा साहब से मिलने की, मतलब मिलना चाहूँगा मैं। अब तो आप मिल सकते हैं? हाँ कभी मौका मिला ऐसे करके, उनकी टीम निश्चित आपको मिलवा देगी, मेरी इच्छा है उनसे मिलने की। फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस? बच्चन साहब, जिस तरीके से वो इस एज में और अभी तक जिस तरीके जिस एनर्जी के साथ काम करते हैं, तो वो चीज़ें हमें बड़ा प्रभावित करती हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, पूरी कहानी समझ ली अभी तक जो आपका संघर्ष था 30 सालों का पूरा आपने बताया। आप हमारे इंडिया न्यूज इस स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। थैंक यू। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि यहाँ आने का मौका मिला, और थैंक यू सो मच।
और सारे पैरा खिलाड़ियों की तरफ से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूँ आपका, आप और भी लोगों के ऐसे ही शो करते रहें और हिट जाएं, आप भी अपनी बुलंदियों को छुएं। थैंक यू। ओके।